हेलो बच्चों आज इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फाइंड डिवाइड बाई डी एक्स करना है इधर इफ़ वाई इज ए गिवन हेयर ठीक है बहुत ही सिंपल एग्जांपल है लेट अस सी सो वाई दिया है वाई इज इक्वल टू क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स करके है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफरेंश वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल इधर क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चन रूल क्या है वाई इज इक्वल टू यू बाई वी फॉर्म में है इसको क्वेश्चन रूल अप्लाई किया तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू फी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाय फी स्क्वाय इसके इसके इस हिसाब इस, इस से क्या है डिनोमिनेटर क्या हो गया यू हो गया डिनोमिनेटर क्या हो गया फी हो गया इधर अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना देर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट क्या डिनोमिनेटर लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इन टू डी बाई डी एक्स अभी न्यूमिनेटर लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस फिर से न्यूमिनेटर लिखना पड़ेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी बाय डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर लिखना पड़ेगा इधर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ठीक है नाउ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वेयर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वेयर हो गया ठीक है ना दे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये तो ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अभी इसको डिफ्रेंशिएट करो कॉस को डिफ्रेंशिएट किया तो अलग अलग है ओके कॉस को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स आएगा बाद में प्लस है साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो साइन बिकम कॉस कॉस एक्स आएगा माइनस अभी इसको सेकेंड प्रकेट ऐसे लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अभी इसको डिफरेंस कॉस को डिफरेंस तो माइनस साइन एक्स आएगा ए माइनस साइन ऐसे रहेगा साइन को डिफरेंसिएट किया सो डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वेयर ठीक है ना देर फोर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अभी रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा अब बस पूरा समझ में आ, जा, आ जाएगा आपको इस ब्रिकेट को ऐसे लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू फर्स्ट पॉजिटिव लिखेंगे बाद में नेगेटिव टर्म लिखेंगे कॉस एक्स इसके बाद ये लिखेंगे माइनस साइन एक्स ठीक है माइनस अभी इस ब्रैकेट में दोनों माइनस है माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस बाहर लिया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये ब्रैकेट को ऐसा ही है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इधर तो माइनस लिया है बाहर मतलब ये दोनों पॉजिटिव टर्म हो जाएंगे फर्स्ट कॉस एक्स लिखेंगे कॉस एक्स उसके बाद प्लस साइन एक्स सो डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वेयर नाउ देर फोर डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ओके इन दो के ये दोनों सेम ही ब्रकेट है ना इस इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वेयर प्लस ये भी सो सेम ब्रैकेट है इसको हम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वेयर ठीक है सो ये डिनोमिनेटर एज इट इज ऐसे ले रहेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वेयर नाउ फोर डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी होगा यही फार्मूला आइडेंटिटी यूज करना है कॉस स्क्र एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस टू ए बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी माइनस टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए प्लस बी होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी सो कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स ठीक है सो डिनोमिने एज इट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वेयर अभी देखिए ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगा ना देर फोर सॉरी डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स बिकम वन एक टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज है सो कॉस स्क्र एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स का वैल्यू वन होता है ये हो गया वन ए भी कॉस स्क्र प्लस एक्स ए भी होता है वन प्लस वन डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वेयर ठीक है नाउ देर फोर डीवा बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वन टू हो जाएगा डिनोमीटर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्वीट नाउ दिस इज रिक्वायर्डेड डीवा बाय डी एक्स अगर आप वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट्स भी दीजिए सब्सक्राइब किया तो आपको नई तो वीडियो का नोटिफिक मिलेगा आपको दूसरे मैथमेटिक्स वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब के प्लेस में जाइए आई बटन में भी कुछ लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है आप फ्रेंड को भी शेयर कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए फॉर वॉचिंग